ओम शांति। आज योग तपस्या का 19वां दिन, तो आइए चलते हैं कुछ नई अनुभूतियों की ओर। जैसे गीता के भी 18 अध्याय है जो हमें गुह्य ज्ञान देते हैं, ऐसे ही ये 18 दिन भी उस दिव्य ज्ञान के समान ही रहे जिससे मुझ आत्मा में वो शक्ति भरी, वो शक्ति, वो जीवनदायिनी शक्ति जिसने मेरे ही सत्य स्वरूप को मेरे सामने लाया। मैंने अनुभव किया जो अब तक मैंने सुना था, समझा था, वो उसे सच में महसूस किया दिल की गहराइयों से। तो आज परमपिता परमात्मा का एक और प्यारा सा कर्तव्य रिश्ता, एक सतगुरु का रिश्ता हम सब अपने जीवन में गुरु ढूंढते हैं जो हमें परमात्मा से मिला दे। कहते हैं गुरु के बिना कोई गति नहीं, क्योंकि गति करने वाला, सदगति करने वाला गुरु है। तो परमपिता परमात्मा सदगुरु है, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरुओं की भी गति करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आत्माओं के पिता हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से बड़ा, ऊंच, पवित्र कोई नहीं। वही हम सब आत्माओं के सच्चे सच्चे गुरु हैं, वही हमारी गति करते हैं, हमें इस जीवन के भव सागर से निकालते हैं, मुक्ति का रास्ता बताते हैं और जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं। इस जीवन में रहते हुए दुख सुख से न्यारे होकर कैसे रहना है, डिटैच होकर कैसे रहना है, किसी व्यक्ति परिस्थिति का मुझ पर कोई असर ना हो, उस असर से बेअसर कैसे रहना है, कोई तनाव, चिंता, डर, भय मेरे जीवन में मुझे परेशान ना करे, इससे कैसे बचना है। सद्गुरु का कार्य जीवन को, आत्मा को उस ऊंचाई पर पहुंचाना, बाप समान बनाना, यही सच्चे सद्गुरु का कर्तव्य है। और बाबा, आप ये अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हो। मेरे जीवन को सही दिशा दे रहे हो। मेरे जीवन को अंधेरों से उजालों की ओर लेके जा रहे हो। जीवन के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर आप मेरे साथ हो, मेरे साथ चल रहे हो। एक पिता, शिक्षक और गुरु के रूप में आपने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया बाबा।
तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे, तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे, दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान को बाबा कभी ना चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया, तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके केवैया, बचा ले आके केवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे, तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे, हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना हमारे सिर पे यूं हर दम रहे ये हाथ रहमत का, सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का, सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में से क्या भूल पाएंगे, तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे, तेरा एहसान
गुरु गुरूर है मेरा। बाबा गुरु बनकर आपने जो ज्ञान का प्रकाश किया है उस ज्ञान ने जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण पवित्र किया है। मुझे मेरी योग्यता बताई, मुझे मेरी ही नजरों में ऊंचा उठाया है आपने। एक गुरु बनकर आपने ही अपने से परमात्मा से ब्रह्मांड से मेरा एक नाता जोड़ा है, तोड़ दिया मेरे मन के उन बंधनों को, गुहे राज समझा दिए आपने। मेरा जीवन सरल सहज बना दिया, जैसे एक उन्मुक्त पंछी खुले आकाश में उड़ रहा है अपनी मर्जी से इधर से उधर इधर से उधर। ऐसे ही आपने मेरे जीवन को मेरी सोच को जैसे पंख दे दिए हैं और ये खुला आकाश जिसमें मेरी ये सोच मेरे जीवन में ये गति लेकर आई है। मेरे जीवन से हर डर हर शंका निकल गई। जीवन जीने का सही तरीका मिल गया। आपने कई गुत्थियां सुलझा दी मेरे जीवन की, उलझने दूर कर दी, मैं अनजान थी, मुझे आपने जागरूक किया। आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया बाबा। आपने मुझे जो सत्य मार्ग दिखाया आत्म उत्थान का और इस मार्ग पर चलने का हौसला दिया, मेरे साथ साथ चल रहे हो आप। एक छोटे बालक की भांति जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ मुझे आप खड़े दिखाई देते हो। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, आप मेरी शक्ति हो बाबा। आप मेरी शक्ति हो, आप मुझे ये एहसास दिलाते हो कि
कि मैं कुछ खास हूँ, आपकी प्यारी हूँ। ये बहुत ही सुखद एहसास है, शक्ति से भरपूर एहसास है ये। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उमंग से भर जाता है। अपना जीवन जैसे सफल महसूस होता है। आप में वो जादू है जो देखते ही देखते चीजों को, ऐसे स्थितियों को ऐसे बदल देता है कि आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन दिल ये समझ पाता है। जीवन से दुख और दुख से सुख का ऐसा फेर फिरता है ऐसी समझ मिलती है, ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जो किसी को समझाए भी समझा नहीं सकते, क्योंकि सत्य वही है जो मेरा अनुभव है। कोई और आत्मा जब अनुभव करेगी तभी ही उसका सत्य बनेगा, और मेरे जीवन में मुझे ये सत्य दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए, मुझे विशेष बनाने के लिए, अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा आप अद्भुत हो, निराले हो, न्यारे हो, प्यारे हो, लेकिन मेरे हो, आपका मेरे होने का एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कहते हैं गुरु के बिना गत नहीं, ये सत्य बात है। लौकिक जीवन हो, अलौकिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, राह में रोशनी करने वाला तो गुरु ही है। जीवन के अंधकार से निकालने वाला गुरु ही तो है।
परमात्मा संबंध जोड़ने वाला गुरु ही तो है। सत्य की पहचान देने वाला गुरु ही तो है। मैं भाग्यशाली हूँ बाबा, आप एक गुरु के रूप में मेरे जीवन में आए। आप सर्वशक्तिवान हो, इसीलिए तो पिता का रूप, शिक्षक का रूप बेमिसाल रूप है, और सदगुरु का रूप वो श्रेष्ठता, जीवन में स्थिरता, स्थाई खुशी देने के जो नुक्ते आपके पास है, वो किसी और गुरु के पास नहीं। वो भी यही नुक्ते देते हैं कि परमात्मा से कैसे जुड़े, उसको कैसे अनुभव करें। और आप तो स्वयं अपने सब राज खोलते हो, मुझे कैसे खुश कर सकते हो, मुझे कैसे पा सकते हो। आपने स्वयं ही आकर स्वयं ही मुझसे ये जो नाता जोड़ा है, मुझे चुना है, मुझे स्वीकार किया है, मुझ जैसे को अपना बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपके होने का जो सुखद एहसास है, को मेरी सारी चिंता परेशानी को छू मंतर कर देता है। आप मुझे दूसरों पर आश्रित होने से बचा लेते हो, बचाया है। सत्य सहारा आपने दिया है। सत्य जो कभी बदल नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, अविनाशी है। आपने मुझे मेरे अविनाशी होने का एहसास मुझे दिलाया है। ये एहसास एक ऐसा अद्भुत ऐसी जीवनदायिनी शक्ति है ये, ये जन्म घुट्टी में ही जैसे आपने मुझे दे दिया, बेहद के खजाने खोल दिए मेरे लिए। आपने जो दिया उसका ऋण कैसे चुका पाएंगे बाबा? ऐसा कभी सोचती हूं तो अपने आप को असमर्थ पाती हूं। कि मैं इसको कैसे लौटा सकती हूँ। फिर आप ही समझाते हो कि बस इसे बांटो, औरों के साथ बांटो, इस एहसास को बांटो, इस खुशी को बांटो, अपने इस अनुभव को औरों में बांटो। जितना जितना बांटोगे उतना उतना उससे ज्यादा गुना होकर वापिस लौटेगा।
आपका ये सारा का सारा सिस्टम बहुत ही निराला और अद्भुत है कि बांटने से बढ़ेगा। आज दिन तक तो स्कूल कॉलेज में यही सीखा कि बांटने से चीजें कम होती हैं, लेकिन आपने बताया कि बांटने से बढ़ती हैं और बढ़ती ही जाती हैं। कैसे निराले शिक्षक हो, कैसे निराले गुरु हो, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, ये कोई नहीं समझ सकता जब तक आप खुद ना समझाओ। ऐसा गुरु जिसमें बिल्कुल भी गुरूर नहीं है और ना ही आप मुझ में गुरूर होने देते हो। यही तो खासियत है सच्चाई में, सत्यता में। जो मेरे जीवन में उतरी है, जितना भी मैं जीवन को समझ पाई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है बाबा। आपको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, फिर भी ढूंढती थी आपको, पूछती थी आपको, और आपने जिन जिन के निमित्त बनाकर, जिन जिन को निमित्त बनाकर मुझे सिखाया, मुझ तक जो उत्तर भेजे, जिन जिन से मैंने सीखा, उन सब गुरुओं के लिए भी मन में जो प्रेम आपने उत्पन्न किया, जो आदर उत्पन्न किया, उन सब गुरुओं को भी दिल से नमन है। मैं आभारी हूँ उन सब गुरुओं का जिनसे मैंने जीवन में सीखा है। हर एक आत्मा का जिसने मुझ पर मेहनत की है, सिखाने में, समझाने में, सहज बनाने में, अपना साथ देने में, उनको भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और गुरुओं के भी गुरु आप, कमाल हो आप बाबा। आपसे मुझे देने का संस्कार मिला है, दिव्य संस्कार परिवर्तन करने के लिए आपका शुक्रिया। एक सच्चे सद्गुरु बनकर मुझे दीक्षित करने के लिए आपका शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्रियतम।
अपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकबीर दी, आपने बाबा आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, से मरना आपके दिल में जिए, हम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी, हम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें।